ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेक्निकल विवेक यूट्यूब चैनल को और ये बेल आइकन भी दबा दें जिससे आप लेटेस्ट वीडियोस कभी मिस ना कर पाए। हे फ्रेंड्स, दिस इज विवेक हियर और आप देख रहे हैं टेक्निकल विवेक यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ या फिर मैं बोलूँ तो अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मी 6X का, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये फ़ोन मैंने वियतनाम से मंगाया है, मेरा एक फ्रेंड वहाँ पर रहता है। सो मैंने सोचा कि ये फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर दे, और ये फ़ोन अभी तक इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मी 6X का दोनों मंगाया है, एक मेरे लिए मंगाया है और एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन है। तो एक 6GB रैम वेरिएंट है और एक 4GB रैम वेरिएंट है, और दोनों में ही आपको 64GB इनबिल्ट मेमोरी मिलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो के लिए मैंने ये फ़ोन स्पेशली वियतनाम से मंगाया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप अगर चाहते हैं कि इसका फुल वीडियो का रिव्यू मैं आपको दो फ़ोन का पूरा फुल रिव्यू दूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए इसका फुल रिव्यू बनाऊंगा और कैमरा रिव्यू और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस और इसका साइड बाई साइड कंपेरिजन भी मैं रेडमी नोट 5 प्रो से करने वाला हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑसम वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका बॉक्स मैं ओपन करता हूँ, और इसके बॉक्स में हमको क्या क्या मिलता है। पहले आपको एक यहाँ पे लग रहा है ये कवर है, तो ये कवर मिल जाता है यहाँ पे, और उसके साथ आपको पैम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये थोड़ा बहुत पैम्पलेट्स है जो कि अलग लैंग्वेज में है, सो इसको पढ़ते नहीं। यहाँ पे सिम ट्रे है और एक चार्जिंग का केबल दिया गया है। तो कवर देखिए, यहाँ पे वाइट वाले में हमको वाइट का केस कवर दिया गया है। सिंपल सा एलिगेंट लुक है इस केस का, और कुछ ज़्यादा उतना ढांसू नहीं है, बट चलेगा, फ्री में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है रख लो। तो यहाँ पे सिम सॉकेट हमको एक मिल जाता है, सिम ट्रे इजेक्टर टूल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और उसी के एकदम एग्जैक्ट नीचे हमको मिलता है चार्जिंग का सॉकेट। सो यहाँ से आप डायरेक्टली, ये हेडफोन जैक है, सॉरी ये हेडफोन जैक है, चार्जिंग सॉकेट नहीं है। तो इसमें आप डायरेक्टली हेडफोन जैक आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो आपको अलग से ये हेडफोन जैक लगाना पड़ेगा चार्जिंग के सपोर्ट के थ्रू, और उसके बाद आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कैमरा बम्प थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा, जैसे कि आपको Redmi Note 5 Pro में देखने मिलता है। कैमरा बम्प यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और थोड़ा अजीब फील होता है। तो Mi 6 यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और अगर हम बॉक्स के अंदर देखें तो बॉक्स के अंदर हमको यहाँ पे मिल जाता है एक डॉक, जो कि चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग डॉक है। और ये नॉर्मली एक चार्जर हमको मिल जाता है, USB केबल, जो कि सी टाइप पोर्ट है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको सी टाइप पोर्ट मिल रहा है, हालांकि Redmi Note 5 Pro में हमको सी टाइप पोर्ट देखने नहीं मिला है, बट इसमें सी टाइप पोर्ट देखने मिलता है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं और फोकस करते हैं हम मेन कॉम्पोनेंट के ऊपर, जो कि हमारा Mi 6X है। सो दोस्तों, अगर 4GB रैम वेरियंट की अनबॉक्सिंग करते हैं, 4GB में आपको 64GB भी इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और 6GB भी आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। कैमरा बम्प के लिए यही बेटर है, और कैमरे का बम्प कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिया गया है, हालांकि आपको Redmi Note 5 में भी सेम कैमरा बम्प देखने मिलता है। सो यहाँ पे बैक में भी आप देख सकते हैं कैमरा बम्प इसका काफ़ी बड़ा लग रहा है। फिंगर प्रिंट स्कैनर का प्लेसमेंट वहीं पीछे है, जैसे कि MI के बाकी सारे फ़ोन्स में आता है। अब यहाँ पे देखिए सेम दोनों फ़ोन, आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आप चूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और एक वाइट है। बैक में आपको गोल्ड मिल जाता है वाइट वाले में। सो अगर मेरी माने तो ब्लैक कलर मैं चूज़ करूँगा, बिकॉज ब्लैक कलर काफ़ी प्रीमियम फील होता है, और काफ़ी फ़ोन ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का फ़ोन ही है। अब इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ें ही मिल जाती है। सो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। अब देखिए इसमें आपको आगे की तरफ दिख रहा है। कैमरे की बात करें तो आपको पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरे का सेटअप मिलता है। सेंसर आपको 1.25 माइक्रोपिक्सल का सेंसर मिलता है। सो ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। सो ब्लर इफेक्ट और पोर्ट्रेट शॉट्स आप इससे अच्छे से आराम से खींच सकते हैं। यहीं पे जो हमको AI सपोर्ट हमको इन्होंने बोला था स्टार्टिंग में, जब ये लोग लॉन्च कर रहे थे कि AI सपोर्ट के साथ आएगा ये फ़ोन, बट इसमें AI सपोर्ट अभी प्रेजेंट नहीं है, लैक ऑफ AI सपोर्ट माना जा रहा है इस फ़ोन में। और मैंने इस फ़ोन को ऑन कर दिया है तो MIUI 9 के ऊपर रन कर रहा है, जो कि MI वालों का लेटेस्ट MIUI है। और इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि वो 8.0 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आपको। सो कम से कम इन्होंने Redmi Note 5 Pro में प्रो के जैसा तो नहीं 7.0 नोगट जो अभी भी रन कर रहा है 2018 में ही, तो इसमें कुछ नया किया है। बट इसका बैक कैमरा इंक्लूड किया गया है। सो ये निकाल लेते हैं प्लास्टिक कवर। अब देखिए ब्लैक वाला काफ़ी अच्छा आपको लग रहा है, प्रीमियम फील होता है। सो कैमरे का प्लेसमेंट भी अच्छा है, और यहाँ पे कैमरा बम सीरियसली मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, ये iPhone X की कॉपी तो नहीं, बट देन ऑल्सो
अगर आप देखें कैमरा बम बाहर निकला रहता है, स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, बाकी सब कुछ सही है इस फ़ोन में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पीछे आपको MI का लोगो मिल जाता है और आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर बटन साइड में देखने मिलती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये थोड़ा सा कर्व्ड दिया गया है। सो अगर आप ग्रिप की बात करें तो आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी साइड में, आपको पकड़ने में आसानी होगी और जो फ़ोन स्लिपरी नहीं है। और यहाँ पे आपको वही पुराना सिम ट्रे देखने मिलता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट, दो सिम नैनो सिम कार्ड या तो एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड, तो यही प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो अभी आपको आसर जेनफोन मैक्स प्रो में भी आपको मिल जाता है दो सिम कार्ड और एक एक्सटर्नल सिम कार्ड का मेमोरी सॉकेट का पोर्ट। तो स्पीकर्स आपको इसमें ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं नीचे की तरफ, यहाँ आप देख सकते हैं आपको ड्यूअल ऑडियो स्पीकर दिए गए हैं, तो ऑडियो साउंड तो आई होप कि अच्छा हो। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, सो मंगाते ही मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी, और फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियोस बना के देता रहूँगा। और इसमें ऊपर आपकी तरफ IR ब्लास्टर आपको देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं, अब लैंग्वेज चूज़ कर लिया है मैंने, अब ये फ़ोन को चालू करते हैं। सो फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पे फ़ोन ये ऑन हो चुका है और नॉर्मली वही सेम टू सेम UI आपको देखने मिलती है जो बाकी के फ़ोन में मिलती है, बट इसमें आपको एंड्रॉयड 8.0 मिल रहा है और जो मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स है वो आपको इसमें मिल जाएंगे, और लेटेस्ट आपको फ्रेमवर्क अपडेट मिला है। तो सेम ही दिख रहा है बाकी का UI मुझे, और कुछ खास तो नहीं लग रहा है, सब कुछ सेम ही है। MIUI 9 थोड़ा सा ऊपर आपको थोड़ा अलग देखने मिलता है 8.0 में, आपको वहाँ पे सर्च बार देखने मिल जाता है नोटिफिकेशन बार में भी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, और स्क्रीन रेशियो 18:9 है, और इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं है। तो Redmi Note 5 Pro जैसा ही फ़ोन ये भी लगता है, बट कैमरा का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत किया गया है और इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करें। और इसमें जो एक खास बात है, स्नैपड्रैगन 660 के साथ आता है, यानी कि 660 दैट मीन्स कि आपको इसमें परफॉर्मेंस Redmi Note 5 Pro से ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पे आपको Redmi Note 5 में Pro में 636 मिलती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बैटरी में थोड़ा सा निराश हूँ मैं बिकॉज 3010 mAh की बैटरी, मतलब क्या है भाई यार, 3010 mAh की बैटरी से एक दिन भी शायद आपको पूरा मिलेगा कि नहीं, ये मैं आपको ओवरऑल फ़ोन यूज़ करने के बाद ही बता सकता हूँ। तो एटलीस्ट एक वीक या 15-20 दिन में यूज़ करने के बाद आपको इसका फुल रिव्यू दूंगा। सो गाइस कैमरा अभी नहीं देखते हैं, ये तो जस्ट एक ट्रेलर है, कैमरा का इंटरफेस आप यहाँ पे देख लीजिए और आगे इसके आपको फुल रिव्यू मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए। यहाँ पे इसका पोर्ट्रेट मोड भी है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ विवेक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। और आपको इसको कैमरा रिव्यू चाहिए, कैमरा कंपैरिजन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।